जो 43 नंबर FIR दर्ज हुई है हरी के पत्तन उस 63 बंदे शामिल 307 मुकदमा लोगों दी गड्डियां भन्निया मोटरसाइकिल चक्क के दरिया सिड़ते बहुत बुरा हाल किया लोगों की कुटमार भी हुई है उस पत्रकार कई साजिशकर्ता बना के नामजद कर दिए गए उस संबंध च अज डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर मिले हैं कि ये जी मुकदमा है ये रद्द किया जाए तो बंदे सारे जोड़े बाहर कटे जाए। देखो तानाशाही कार्रवाई है धक्का एडा एडा धक्का थोड़ी होंगे एक शांतमई बैठे लोगों के आके तुम डांगा मारो अथरू कह दे गोले चलाओ पर गड्डिया भी किस तरीके भनिया उत्तों भी शीशे भन के मुड़ के पिछों शीटा पाड़ती पिछों स्टीरियो डेक कढ़ के ले गए इस तरीके जिमें कोई कड़ कढ़ी होंगी है खुंदक नहीं होंगी बंदे इस तरह की खुंदक इन्होंने कढ़ी उत्थे किन्ने चैनल बंद करते किन्ने पेज बंद करते किसी ने कोई टिप्पणी करती उन्होंने चक के जेल सिरता 51 दे विच इहदा ना सानू लिखण दी आजादी ना बोलण दी आजादी। बीते दिन फिरोजपुर के हरी के पत्तन च ताना दे रहे लोगों नू पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया जिस तों बाद वख-वख जथेबंदियां वल्लों जिला प्रशासन नू मंग पत्र दे के मंग की गई कि गिरफ्तार की गई नौजवानों नू रिहा किया जाए पर प्रशासन वल्लों कोई पुख्ता जवाब ना मिलन ते अज उन्हां डीसी दफ्तर बाहर धरना लगा दिता। धरने च पुजे लखा सदाणा ने कहा कि शांतमई धरना दे रहे लोगों ते पुलिस ने अन्ना तशद्दद ढाया उन्हां दीआं गड्डियां दी भनतोड़ की। लखा सदाणा ने कहा कि पंजाब च हालात खराब होंदे जा रहे ने ना किसी नू लिखण दी आजादी रही है अते ना ही बोलण दी आजादी रही है जेकर कोई माड़ी मोटी टिप्पणी करदा है तां उसदी आवाज नू भी दबाया जांदा है। देखो अभी डीसी दफ्तर के अगे एक धरना रखा फिरोजपुर के अगे तो जो 43 नंबर FIR दर्ज हुई है हरी के पत्तन उस 63 बंदे शामिल 307 मुकदमा लोगों दी गड्डियां भन्निया मोटरसाइकिल चक के दरिया सिड़ते बहुत बुरा हाल किया लोगों की कुटमार भी हुई है उस पत्रकार कई उस साजिशकर्ता बना के नामजद कर दिए गए उस संबंध च अज डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर मिले हैं कि ये जी मुकदमा है ये रद्द किया जाए तो बंदे सारे जोड़े बाहर कटे जाए। देखो तानाशाही कार्रवाई है धक्का एडा एडा धक्का थोड़ी होंगे एक शांतमई बैठे लोगों के आके तुम डांगा मारो अथरू कह दे गोले चलाओ पर गड्डिया भी किस तरीके भनिया उत्तों ने भी शीशे भन के मुड़ के पिछों शीटा पाड़ती पिछों स्टीरियो डेक कढ़ के ले गए इस तरीके जिमें कोई कड़ कढ़ी होंगी है खुंदक नहीं होंगी बंदे इस तरह की खुंदक इन्होंने कढ़ी उत्थे ये जी कार्रवाई तो दिखती ही है किमें डंडे के बल से जोर से लोगों के आवाज़ में दबाने दी कोशिशां हो रही लोगों के हकों को दबण दी कोशिशां हो रही किन्ने चैनल बंद करते किन्ने पेज बंद करते किसी ने कोई टिप्पणी करती उन्होंने चक के जेल सिरता 51 दे विच ना सानू लिखण दी आजादी ना बोलण दी आजादी इह तां 75 दी एमरजेंसी नूं भैड़ा हाल होया पिया पंजाब दे विच किवें लोगों नूं डरा के दबा के बंद करता। तुसीं देखो धक्के की गल देखते हैं मेरे कोल किताब है मैं पढ़ रहा सीगा प्लस टू की पोलिटिकल साइंस की किताब आ NCERT का सिलेबस आ तो की कह रहा कि आनंदपुर साहब का मता एक बखवादी मता है कि बखवादी होने दी गल्लां करदे एक यह गल रखी है दूजी गल उस लिखी गई है कि आनंदपुर साहब के मते नूं बहुते सिखां ने तस्लीम ही नहीं किया। तीजा लिखते हैं कि आनंदपुर साहब का मता पंजाब नाल दूजे सूबे का रेड़का खड़ा करेगा। हुण इह गल देखो कित्थे जा रही है आनंदपुर साहब का मता है की है पहला समझो आनंदपुर साहब का मता राज्यां दे वध अधिकारां दी गल करदा आनंदपुर साहब का मता जिहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर की गल करदा उहदे च साडी मां बोली की गल उहदी रक्षा की गल साडी राजधानी सानू मिलनी चाहीदी है साडे पंजाबी बोलदे इलाकियां की गल साडे डैमां दे प्रबंध की गल साडे पाणियां दे हक ये सारियां उह गल्लां ने धर्म दी धर्म दे प्रचार की गल अमृतसर साहब नूं पवित्र शहर का दर्जा देना यह सारिया मंगा से आनंदपुर साहब के मते दियाँ जिहड़ियां 1985 राजीव लौंगोवाल समझौता होंदा जदों उहदे विच मन्नियां जांदियां सेंटर सरकार मनदी है वी आ तुहाडियां मंगां ठीक है जायज़ है तो ये लागू कर देनियां 1 जनवरी 1985 पर सरकार मुकर जाती है
अज उस मते नूं इह कहिंदे वक्खवादी है, देश तोड़न दीआं गल्लां करदे आ। जाने यार असीं अपनी कोई गल भी करदे आ, असीं वक्खवादी हो जांदे आ, अतवादी हो जांदे आ। हदां ते मरना, असीं देश भगत हाँ, असीं राष्ट्रवादी हाँ। लंगर लाउणा तां असीं देश भगत हाँ। कोई आफता आ जाए, कोई हड़ आ जाए तां देश भगत हाँ। जदों कोई हक की गल कर लो उदों असीं अतवादी हाँ। इह जुल्म इह धक्का क्यों? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੀ ਘੈਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਹੀਕਲ ਭੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੇ। 307 ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਠੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਤੀਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਖਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।